जमीन का मामला है, हमने जमीन लिया और नेपाल जी ने नापा, हमने बाउंड्री कराना शुरू किया, नेपाल आ गया। तब उसके बाद जो पीछे के काश्तकार हैं उन्होंने रोक लगा ली कि नहीं ये थोड़ा जमीन मेरा है, मेरा 2 बीसा 18 तो जमीन है। हमने फर्स्ट मैं इसका एप्लीकेशन दिया, अभी तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम 2 साल से पक्की पैमाइश करवा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पक्की पैमाइश नहीं मिल रही, मेरी जमीन का नाप नहीं हो रहा और हम बहुत परेशान हैं। कौन है जो रोक लगा रहे हैं? पूर्व विधायक हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरा जमीन, हमें किसी से लड़ाई या झगड़ा कुछ नहीं करना, हमें बस अपने जमीन से मतलब। उनका क्या करना है? उनका हमारा जमीन है, पीछे मेरा जमीन है, मेरा जमीन 18 धूर जमीन, मतलब 1 बीसा के लगभग उनके जा रहा है। बताइए, 1 बीसा जमीन, 2 बीसा 18 धूर मेरा जमीन है, तो हमें तो अपने जमीन से मतलब है। सोनभद्र आने का उद्देश्य ये है कि अब राज्य महिला आयोग के जितनी भी मेंबर हैं वो सोनभद्र के एक एक द्वार पे जाएंगे। महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था, अब वो उत्पीड़न बंद होगा। अभी तक महिलाएं जो सह रही थी वो सब सहना बंद करें, अब अपने आप को मजबूत समझें, अबला नहीं समझें, ताकतवर समझें, और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो महिला आयोग उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेगी। ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे महिलाएं अपने आप को सबल समझें? बहुत सारी योजनाएं सरकार ने महिलाओं के लिए दी है, उससे वो अपने आप को मजबूत समझें, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। महिला आयोग उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं बैठकर जन सुनवाई कर उनको भी निस्तारण करवाएगी। ये 181 आशा ज्योति केंद्र, जिसमें जो हेल्पलाइन है वो सरकार ने अभी निकाला है, और इसमें महिलाएं, उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है तुरंत उसमें कॉल करके उस पर उनको तुरंत सहायता मिलेगी। यहाँ पे महिलाएं आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे महिलाओं में जागरूकता की कमी है इस तरह को लेके, तो इसके लिए किस तरह से जागरूकता फैलाएंगे? ये जो आशा ज्योति केंद्र है उसकी जितनी महिलाएं हैं वो सब घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगी, उनसे वार्ता करेंगी, उनको बताएंगे ये सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार उनको सहायता करने के लिए ये सब चीज़ें सुविधाओं में दी है, बता के जागरूक करेंगे। यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न भी होते हैं, कुछ सामाजिक उत्पीड़न भी होते हैं, तो इस पे किस तरह से रोक लगाएंगे? उत्पीड़न की पहले तो सुनवाई होगी किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। फिर यहाँ माननीय SSP महोदय हैं, उनसे कहा जाए, वो अपने टीम को लगा कर उसको सही करने का काम करेंगे, उत्पीड़न बंद करवाने का काम करेंगे। उत्पीड़न भी कई प्रकार का होता है, तो उसको भी देखा जाएगा किस प्रकार का है। जैसा जिस प्रकार का उत्पीड़न होगा उस प्रकार में, उस तरह के उत्पीड़न पे जितने भी ये विभाग के अधिकारी लोग हैं वो सब उस पर काम करेंगे, उसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। मैडम, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है जिसको लेकर महिलाओं की जीभ तक काट ली गई है, उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, इस तरह के मामले आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके लिए क्या जागरूकता आप करेंगे, क्या आपकी टीम कहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेंगे? अब ये टीम, जैसा ये बात तो सुनने को आई है, ये बातों को मैं ऊपर आयोग में भी रखूँगी, बताऊँगी कि मैं सोनभद्र गई थी तो वहाँ अंधविश्वास का विश्वास में महिलाएँ के साथ क्या क्या हो रहा है। और जैसा इसमें पुलिस विभाग, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा उसको कड़ाई से पालन करके उनके, क्योंकि कुछ चीज़ों को डर से भी ठीक किया जा सकता है, तो मैं इनको आदेशित करूँगी कि ये जाकर वहाँ पे थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। कहीं कहीं पे ऐसे अंधविश्वास फैलाकर माहौल को भी ख़राब करने का काम करते हैं विरोधी लोग, दूसरे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसको इंगित करना चाहूँगी, पर उसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ जाकर देखें कि किस प्रकार का वहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उनके जीप काट लिए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इनको आदेशित करूँगी कि आप जाएं वहाँ पे देखें और इसको रोकने का काम करें पूरी तरीके से। अंधविश्वास अब कुछ, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये नया दौर आ गया है, इन सब समय में अब ये अंधविश्वास कहीं नहीं रह गया है। तो लोग फ्रॉड तरीके के लोग हैं,
तो इसमें मैं इनको आदेशित करूंगी, अभी करके जाऊंगी जैसा मुझे अभी पता चला, और ऊपर आयोग में भी ये बातें बताऊंगी, और माननीय योगी जी से भी मेरी बात होती है, उन लोग वो हम लोग के साथ बैठते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो उनको उनके तक भी ये बात पहुंचाऊंगी, पहुंचा कर ये बिल्कुल समाप्त करने का काम सरकार करेगी। कल एक मामला आया था बिंडमगंज का, बिजली के पोल को लेकर एक महिला का उत्पीड़न किया गया, महिला थाने पर गई, उसके पति को बैठा लिया गया था, लेकिन पुलिस ने महिला को भगा दिया, महिला ने कुछ पदार्थ खा लिया, पुलिस उसको अस्पताल ले गई, फिर वहाँ से छोड़ दी, तो उस पर पीड़ित को ही बैठा लिया गया। चलिए, इन सब चीज़ों की जानकारी अभी जैसा आपने बताया और अभी यहाँ होगी मुझे, तो अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो इनकी शिकायत होगी आगे, इनकी शिकायत होगी आगे और सब ठीक होगा। सरकार तो इसीलिए ये आयोग का गठन ही किया कि आप जाओ समस्याओं सुनो, समस्या सुने, ज़्यादातर महिलाओं की समस्याएं, और महिला जो आज पीड़ित है, शोषित है, उसका निराकरण हो, अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उनका शोषण ना हो किसी विभाग द्वारा भी ना हो, अगर तब भी नहीं ठीक होता तो इनके ऊपर शिकायत की जाएगी।